हे गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ रॉस में सर्विस के बारे में, सर्विस रॉस सर्विस के बारे में बताऊंगा आज की वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको पब्लिशर सब्सक्राइबर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम बनवाए हैं प्लस कस्टम मैसेज बताया है, तो आज की इस वीडियो से हम रॉस सर्विस के बारे में समझेंगे और अप्रोक्स मेरा जो प्लान है मैं आपको 15 से 20 प्रोग्राम इसके ऊपर बना के दूंगा और आपको बहुत अच्छा डीप नॉलेज लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम कंप्यूटर विजन पे काम करेंगे रॉस के साथ और फिर एक्चुअली हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों पर। तो शुरुआत करते हैं रॉस सर्विस होता क्या है। तो रॉस सर्विस को यदि आप जस्ट सिंपल मान लीजिए, दो पर्सन है रॉस सर्विस को समझने पर, यदि आप एग्जाम्पल में सोचना है दो पर्सन है आपस में दोनों लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो एक पर्सन जो है वो क्या है आपका, जैसे ये मान लीजिए एक पर्सन ये है और एक पर्सन मेरा ये है, एक पर्सन उसमें से क्या है आप सोचिए क्लाइंट है और दूसरा पर्सन क्या है, क्या है सर्वर है। तो क्लाइंट है जो पर्सन वो क्या करेगा, क्लाइंट वाला पर्सन किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से, और सर्वर क्या करेगा उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो देखिए ये पर्सन क्या है, क्लाइंट है, और ये पर्सन हमारा क्या है, सर्वर है। अब एक पर्सन क्लाइंट है, दूसरा पर्सन सर्वर है। अब जब क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट करेगा किससे, क्लाइंट ने देखो ये रिक्वेस्ट की किससे, सर्वर से। सर्वर ने रिस्पॉन्स करेगा किसको, क्लाइंट को। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट लगाएगा और सर्वर क्या करेगा उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। देखो सर्विस क्लाइंट यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, अब यहाँ पर इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अब दो की जगह तीसरा पर्सन आ गया दूसरा, अब तो सर्वर एक है मेरे, मैंने क्लाइंट भी एक सर्वर को रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्वर है, क्लाइंट ये है, एक सर्वर क्लाइंट सर्विस क्लाइंट ये है और ये सर्विस सर्वर है, मतलब तीन पर्सन है, दो पर्सन एक सर्वर से रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर इन लोगों ने रिक्वेस्ट लगाई और यहाँ पर जो हमारा सर्वर है ये रिस्पॉन्स करता है। जस्ट ये सिंपल आपको मैं जस्ट छोटा सा ओवरव्यू। तो अब रॉस सर्विस तो हमने ये समझ में आ गया कि क्लाइंट सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये रॉस सर्विस है ये भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। जैसे अभी हमने पढ़ा था इससे पहले पब्लिशर सब्सक्राइबर करते थे आपस में कम्युनिकेशन किसके थ्रू, टॉपिक के थ्रू। इसके बाद मैंने मैसेज फाइल लाइक खुद के एसटीडी मैसेज की जगह खुद की मैसेज फाइल बनाना सिखाया। तो यही है रॉस सर्विस भी एक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जिसमें दो नोड या दो से ज्यादा नोड आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कि जिसमें क्या एक नोड रिक्वेस्ट करता है दूसरा नोड रिस्पॉन्स करता है, एक क्लाइंट होता है दूसरा सर्वर होता है। अब ये क्या है, अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके सबके सामने है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है क्या सर्वर उसी टाइम पर रिस्पॉन्स कर सकता है क्या, आप ये आपको सोचना है। अगर यदि आपको इस तरह सही जवाब दे रहे हैं तो बता सकते हैं, बट मैं आपको इसको सोच के बताना है। इसके अलावा ये सिंक्रोनस मीडियम है या एसिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस मीडियम है क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ वर्क करती है। ये याद रखना, जस्ट इतना सिंपल बनो कि एक टाइम पे एक है, यहाँ पर डेटा लॉस की संभावना कम है, ठीक है। इट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मेथड, यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मेथड है, मतलब क्लाइंट जब तक सर्वर है डेटा भेजा है तो क्लाइंट वेट करेगा, सर्वर काम कर रहा है तो क्लाइंट वेट करेगा, मतलब एक टाइम पे एक करेगा। जस्ट यही मैं जो आपको सोचने को कहा था कि यहाँ पे यदि क्लाइंट काम कर रहा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट लगाई तो उस टाइम पे सर्वर वेट करेगा, जब सर्वर एक रिस्पॉन्स करेगा तो क्लाइंट वेट करेगा। तो यहाँ पर देखो देखा है इन द रोबोटिक, यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना, इन द रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस आर अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट अलाउ नोड टू सेंड अ रिक्वेस्ट एंड रिसीव अ रिस्पॉन्स। इट इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मेथड मीनिंग दैट क्लाइंट नोड वेट फॉर अ पर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर नोड बिफोर प्रीसीडिंग सर्वर, ठीक है। मैंने यही आपको बताया कि यही चीज होती है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट लगाए तो सर्वर वेट करेगा और सर्वर रिक्वेस्ट लगाएगा तो क्लाइंट वेट करेगा। बट जब हम नोड्स बने ये रूट सर्विस के बारे में काम करेंगे तो उसके लिए जो हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, जैसे मैसेज के लिए मैंने अलग से फोल्डर बनाया था क्या MSG नाम से, यहाँ उसके लिए भी एक अलग से फोल्डर बनाएंगे SRV नाम से, और जब हम भी इसकी क्लाइंट फाइल बनाएंगे इस सर्विस की क्लाइंट सर्वर फाइल बनाएंगे वहाँ पे .srv एक्सटेंशन का यूज करेंगे। अब पर्पस क्या है रॉस सर्विस के, क्योंकि मैं बनाना तो चाह रहा हूँ पर क्यों, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। तो रॉस सर्विस किस लिए यूज होते हैं, किसके लिए, इंटरेक्शन कराने के लिए, किसके किसी चीज़ में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जरूरत हो। अब जैसे कैसे हो,
ट्रिगरिंग एक्शन, जो कोई एक्शन होते हैं एक्शन को ट्रिगर करने, मतलब मान लो कोई चीज़ को ऑब्जेक्ट को पिक किया और मूव कराया पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उस टाइम पे क्लाइंट सर्वर यूज हो सकता है। पैरामीटर सेटिंग में जैसे हम बहुत सारी नोड और डिवाइसेस हैं उसमें हम कुछ पैरामीटर को कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना चाहते हैं वहाँ पे हो सकते हैं, या किसी भी डेटा को हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे आप कौन से डेटा किससे रिसीव करेंगे, सेंसर की रीडिंग लेना चाहते हैं, और जैसे हम मोटर है उस टाइम पर हम डेटा को उसकी रीडिंग लेना चाहते हैं, इन सारी जगह पर इसका क्लाइंट सर्वर का यूज हो सकता है। अब आता है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे वाला की कैरेक्टरिस्टिक हुआ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न है, मतलब सर्विस क्या करेगा, जो सर्विस फाइल है और सर्विस फाइल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैटर्न पे काम करेगी। वहाँ पे एक नोड क्या होता है, क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट नोड सेंड करेगा रिक्वेस्ट और वेट करेगा करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर, सर्वर से रिस्पॉन्ड करने के लिए वेट करेगा। सिंक्रोनस मतलब एक टाइम में एक चीज इंश्योर करेगी और सारा डेटा बिल्कुल सक्सेसफुली जाएगा। क्लाइंट नोड ब्लॉक अंटिल इट रिसीवर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट लगा दी जब तक सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा जब तक वो क्लाइंट नोड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए सिंक्रोनस है। इंश्योरिंग दैट द रिक्वेस्ट एक्शन इज कंप्लीटेड और द रिक्वेस्ट डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम बिफोर प्रोसीडिंग। अब जैसे जस्ट सिंपली सिंक्रोनस को समझना है, मान लो वॉकी टॉकी, एक टाइम में जब वॉकी टॉकी में एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट मतलब उसने कोई बोला है दूसरा सुनेगा, जब दूसरा बोला है तो एक पहला सुनेगा, जस्ट एक टाइम पे एक चीज आती है जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है जब तक आगे हम नहीं करते, इसलिए सिंक्रोनस है। ठीक है, और डिफाइंड मैसेज स्ट्रक्चर के लिए इसको ऐसा भी फाइल के अंदर इसको बनाते हैं, वो अभी मैं जस्ट आपको जब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन में भी चलूंगा तो जब आपको समझाऊंगा। तो अब मैंने जैसा कि आपको जब मैंने पब्लिशर सब्सक्राइबर पढ़ाया था तो उससे पहले आपको कुछ रॉसपाई की लाइब्रेरी बताएगी जो मैं फलता यूज कर रहा था, उसमें भी से मैं बहुत सारी कुछ लाइब्रेरी को यूज करूंगा। जैसे मैं वहाँ पर रॉसपाई डॉट पब्लिशर यूज कर रहा था, यहाँ पर यूज नहीं करूंगा सर्विस क्लाइंट में, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ नई लाइब्रेरी है, जैसे रॉसपाई डॉट स्पिन यूज कर रहा था तो यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा। देखिए रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस, जो होता है द रॉसपाई वेट फॉर सर्विस होता है फंक्शन होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है टू ब्लॉक द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट थ्रेड। मतलब सिंपल से जो हमने अभी नोड बनाया था ये हमारा एक थ्रेड है, इसकी एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देता है, कब तक ब्लॉक कर देता है, अंटिल द स्पेसिफाइड रॉस सर्विस बिकम अवेलेबल, जो हमने जिस रॉस सर्विस को रिक्वेस्ट लगाई जिस चीज के लिए हम काम करा रहे हैं जब तक वो अवेलेबल नहीं हो जाता। दिस इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन अ क्लाइंट नोड दिस डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर एनोदर नोड, मतलब ये जब यूजफुल होता है जब क्लाइंट नोड डिपेंड होता है किसी सर्वर पे या किसी सर्विस पे जो अनदर नोड प्रोवाइड करती है। जैसे ये क्लाइंट नोड है इस पे डिपेंड है, इस टाइम पे ये क्लाइंट जो क्लाइंट सर्विस क्लाइंट है उस टाइम पे ये रॉ सर्विस को हम वेट फॉर सर्विस का यूज करेंगे क्योंकि ये डिपेंड है किस पे, इस सर्विस यानी सर्वर पर। ठीक है ना, जस्ट सिंपल इतने वर्ड में समझना, अगर आपको अभी भी डाउट है तो बताइएगा, मैं आगे वीडियो में और फिर से एक बार समझा दूंगा। एंड अ क्लाइंट नोड नीड टू इंश्योर दैट सर्विस इज अप एंड रनिंग बिफोर अटेम्प्ट टू कॉल इट। अब इसको जैसे हम कोड में करेंगे तो किस एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा, रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस, और यहाँ पे हमें सर्विस का नाम लिखना होगा, ना नेम ऑफ द सर्विस, जो हम सर्विस का नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं, और उस सर्विस के लिए हम वेट करेंगे जब तक वो सर्विस हमें मिल नहीं जाती। जैसे मान लो मैंने इस सर्विस का नाम रख दिया सर्विस क्लाइंट, तो ये सर्विस क्लाइंट इस सर्विस सर्वर ये सर्विस क्लाइंट वेट करेगी जब तक हमारे यहाँ पर सर्विस क्लाइंट ये चल नहीं जाता है। ठीक है, जस्ट इतना सिंपल सा है, अभी जब एग्जांपल में समझाऊंगा वहां पे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जब कोड में चलेंगे। ठीक है, अब सर्विस मैंने बताया ये क्या है, द नेम ऑफ द सर्विस टू वेट फॉर इट। अब यहाँ पे टाइम आउट इक्वल टू नन, ये जरूरी नहीं हम लिखे, ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शन क्या है, ये है कि हम वेट करना है नहीं करना है, इसलिए ऑप्शनल प्रॉपर्टी बोल जाए। द मैक्सिमम ऑफ टाइम इन सेकेंड टू वेट फॉर द सर्विस टू बिकम अवेलेबल। अब ये यहाँ पर टाइम आउट इक्वल टू यहाँ पर 10 लिख देते तो 10 सेकेंड तक वेट करेगी, अगर हमें यहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं होती ये अपने आप बंद हो जाएगी, अगर यदि हम नहीं लिख रहे कुछ तो ये हमेशा ये वेट करती रहेगी जब तक उसको नहीं मिल जाए। इफ नॉट स्पेसिफाइड इट विल इंडिपेंडेंटली, मतलब ये हमेशा वेट करती रहेगी जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। ठीक है, ये जो हम मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं रॉसपाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी, क्योंकि देखो हमने वेट फॉर सर्विस हमने एक सर्वर बना लिया, अब उस सर्वर में कुछ नाम रखा, मतलब नोड है, मैंने बताया जैसे ये एक सर्वर है इस नोड का नाम है सर्विस सर्वर, अब ये इस सर्विस सर्वर का वेट कर रही है कौन, ये वेट कर रही है जब तक हमें उसकी चीज मिल नहीं जा रही है, तो ये वेट फॉर सर्विस तो उस सर्वर का वेट कर रही है कि मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए। ये रॉसपाई डॉट जैसे मैंने कहा था क्लाइंट नोड ब्लॉक हो जाता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है तो ब्लॉक हो जाता है, तो किसके लिए
क्यों ब्लॉक हो जाता, क्योंकि हमें वो जो ये सर्वर था, सर्विस में सर्वर नाम था, जब तक ये अवेलेबल नहीं हो जाता, जब तक ये ब्लॉक बना रह रहा है, जैसे ये अवेलेबल हो जाएगा तो ये रिस्पॉन्स कर देगा और ये ब्लॉक सिर्फ खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ें वेट पॉज सर्विस तो समझ में आ गया कि जो उसको वेट कर रहा है, पर द रॉस पाई सर्विस प्रॉक्सी ये क्या है? तो देखो ये सिंपल सी बात है, द रॉस पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी क्लास है जो रॉस में यूज होती है, कि इसके लिए क्लास मान लो या फंक्शन मान लो, यूज टू क्रिएट अ प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉक्सी क्रिएट करने के लिए होती है, और फॉर कॉलिंग अ रॉस सर्विस, हमें जो रॉस सर्विस हमने बनाई है उस सर्विस को कॉल करने के लिए ये यूज की जाती है। इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू इंटरेक्ट विद अ सर्विस, जो एक रॉस पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी है, ये एक कन्वीनियंट वे मतलब एक अच्छा मीडियम या इजी मीडियम, ये एक मीडियम प्रोवाइड करती है इंटरेक्ट करने के लिए सर्विस, बाय इनकैप्सुलेटिंग द डिटेल ऑफ सेंडिंग रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट हमने सेंड की है रिक्वेस्ट को, उस रिक्वेस्ट की डिटेल को अपने में इकट्ठा कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स और रिसीविंग रिस्पॉन्स के लिए। टू क्रिएट अ सर्विस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, हमें यदि सर्विस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें क्या करना है, नेम ऑफ द सर्विस मतलब जो सर्विस का नेम है वो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, तथा उसका जो मतलब टाइप होता है सर्विस टाइप को बताना होगा, एंड द सर्विस टाइप, द सर्विस टाइप इज टिपिकली जनरेटेड फ्रॉम द सर्विस डेफिनेशन, जो हमने सर्विस डेफिनेशन नाम की फाइल बनाई थी वहाँ से डेफिनेशन से बनाया जाता है। वो मैं जस्ट अभी कोड में समझाऊंगा, जैसे हमने वहाँ पे कस्टम मैसेज या एसटीडी मैसेज लिखते थे, एसटीडी मैसेज डॉट पीकेजी और फिर लिखते थे, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा, जस्ट आपको सिंपल रखना है। सर्विस प्रॉक्सी हम इक्वल टू क्या करते हैं, इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे जैसे वहाँ पर करते थे रॉस पाई डॉट पब्लिश पब्लिशर, और इसके बाद वहाँ पर टॉपिक नेम प्लस एक मैसेज किस टाइप का भेजना चाहते हैं क्यू साइज, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ही सर्विस प्रॉक्सी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सर्विस नेम देंगे पहला और दूसरा सर्विस क्लास। सर्विस नेम क्या होता है, ये नेम ऑफ द रॉस सर्विस टू कनेक्ट, अब ये जो हमारा जैसे था इसका ये नेम था सर्विस सर्वर, इसका नेम देंगे जिससे हम कनेक्ट होना चाह रहे थे, ठीक है, ये वेट कर रहा था, ये हम नेम दे जिससे हमें कनेक्ट हो रहा, क्योंकि वेट तो कर रहे पर हम किससे कनेक्ट हुए थे उसका ही वेट करेंगे जिससे हम कनेक्ट होना चाह रहे थे, ठीक है। द सर्विस नेम ऑफ द नेम ऑफ द रॉस सर्विस टू कनेक्ट टू, और सर्विस क्लास द सर्विस टाइप जनरेटेड फ्रॉम द सर्विस डेफिनेशन, अभी हम जब इसको समझेंगे एक SRV फाइल में से रिलेटेड है, तो आगे मैं जब आपको कोड पार्ट में जाऊंगा तो इसको अच्छे से और डिटेल में थोड़ा सा सही समझा पाऊंगा। अब है द रॉस पाई डॉट सर्विस, रॉस पाई सर्विस डॉट सर्विस क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, एक तो होती है सर्विस नेम मतलब जो अभी यहाँ पे हमने किया था, जो सर्विस नेम दिया जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, एक्चुअली यही यहाँ पे जो ये रॉस पाई डॉट सर्विस में सर्विस नेम देंगे यही इससे कनेक्ट हो गए वहाँ पे, और दूसरा सर्विस क्लास मतलब किस टाइप के क्लास सर्विस से रिक्वेस्ट कनेक्ट हो रहे हैं, अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों चीज़ होती हैं तो वहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन और फिर कॉल बैक फंक्शन फिर डेटा को एक्सेस करते थे, जैसे कि हमने रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइबर करते थे वहां पे कॉल बैक फंक्शन होता था, सेम यहां पे समझ लीजिए रॉस्पाई डॉट कॉल सब्सक्राइबर की जगह रॉस्पाई डॉट सर्विस यूज कर रहा हूं, और वहां पे रॉस्पाई डॉट पब्लिशर को मैं यूज कर रहा था, यहां पे जस्ट समझ लीजिए मैं वहां पर रॉस्पाई डॉट पब्लिशर की जगह पर यहां पे सर्विस रॉस्पाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी यूज कर रहा हूं, बस यहां पे एक नई चीज ऐड हुई है वेट फॉर सर्विस, मतलब यदि नहीं है वो अवेलेबल तो उसके लिए वेट करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, द रॉस्पाई सर्विस हैज ए क्लास इन रॉस यूज्ड टू क्रिएट अ रॉस सर्विस सर्वर, सर्विस सर्वर जो सर्विस सर्वर होता है प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, मतलब ये कहाँ पे लिखा जाता है सर्वर में, मैंने बताया तो वहाँ पे सब्सक्राइबर में वो लिखा जाता है रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइब, ऐसे रॉस्पाई डॉट सब्सक्राइब सर्विस कहाँ पे यूज होता है सर्वर में यूज होता है, किस लिए रॉस सर्वर को क्रिएट करने है, अ सर्विस सर्वर प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जो सर्वर है सर्विस सर्वर है वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, डेट कैन बी कॉल्ड बाय अनदर, मतलब कोई और नोड को उसको कॉल कर सकता है यूजिंग अ सर्विस रिक्वेस्ट, अब किसके एक सर्विस रिक्वेस्ट मतलब जो SRV फाइल बनाएंगे वहाँ पर SRV रिक्वेस्ट नाम से आता है उसकी सहायता से इसको कॉल कर सकते हैं। व्हेन अ सर्विस रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, मतलब जब भी हमें सर्विस रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है द सर्वर कॉल बैक फंक्शन इज इन्वोक्ड टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स, जब भी व्हेन अ सर्विस रिक्वेस्ट होती है रिसीव्ड होती है, जब भी कोई सर्विस रिसीव हो जाती है तो सर्वर कॉल बैक करता है द सर्वर कॉल बैक फंक्शन, जो सर्वर कॉल बैक फंक्शन है वो इन्वोक्ड होता है द प्रोसेस इन्वोक टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स, और उसको इन्वोक करता है और उसके बाद रिस्पॉन्स इन्वोक होता है। अब हमें जब रॉस्पाई डॉट सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या मैंने बताया सर्विस नेम होना चाहिए, दूसरा सर्विस क्लास मतलब किस टाइप के मैसेज को
कर रहे हैं इसके पार, यदि मतलब देखो सर्विस टाइप का क्या है, इनकमिंग मैसेज है, हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट है, मतलब कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आई उसको हैंडल करने के लिए। द सर्विस टाइप इज टिपिकली जनरेट फ्रॉम द सर्विस डेफिनेशन यूजिंग एट द जनरेट एज एन एस आर वी डॉट अंडरस्कोर पाई टूल, ये बोला गया इसको सिंपल छूट जाओ। हम सिंपल जब एस आर वी फाइल जनरेट करेंगे तो अपने आप होगा वो चीज़ सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जस्ट मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की बात कोशिश की है। इसमें आपको यदि नहीं समझ में आया जस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा मैं क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है, इतना यदि आपको समझ में आ गया बहुत है। जस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, मैं जस्ट इतना डिटेल में जाकर इसलिए समझा रहा हूँ, यदि जब मैं आपको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल साइड ऑफ सेशन में जाऊँ तो चीज़ें रिलेट होने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आया बहुत बेहतर है, फिर भी कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट है तो मैं और आगे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।